विश करता हूँ कि मेरे जल्दी से न्यू ईयर से मेरे पहले 10K सब्सक्राइबर्स हो जाए, तो हम कुछ गिव अवे भी करेंगे। ब्रेक एक बार मुड़ गया, सुन लिया? अरे कितनी लगेगी देख के। अरे तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, तो कैसे हम सब एक द मोस्ट बढ़िया टकड़क। बहुत टाइम बाद मैं अपनी चला रहा हूँ FZ, और मेरे को इसको इतना चलाने में मज़ा आ रहा है ना, इतनी खुशी हो रही है इसको चलाने में, भाई हद नहीं हो। मतलब जो इसको चलाने की मेरा नेक्स्ट लेवल भाई फील आ रहा है ना, एक्चुअली फील इसलिए आ रहा है क्योंकि एक तो स्मूथ बहुत चल रही है, और मैं ओ भाई, और ये ऑफ रोड के लिए मैंने इसको प्रॉपर अभी तैयार नहीं करा है। अभी मेरी बाइक ना काफ़ी टाइम से खड़ी हुई थी घर पर, तो इसकी बैटरी अभी भी लो है, और अगर आप लोग यहाँ मीटर में देख रहे हो तो इंजन चेक लाइट आ रही है। तो ये मैं बता देता हूँ क्यों आ रही है, क्योंकि इसकी जो इंजन चेक लाइट की डब्बी होती है ना, वो डब्बी का ना लॉक टूट गया है। राइट नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स अम्बाला सिटी, मेरा जा भाई ऑफ रोड करने का बहुत ज़्यादा मन इसके ऊपर। 3-4 दिन से मैंने इसको ठीक करा के रखा हुआ है कि भाई इसके ऊपर ऑफ रोड करूँ। तो फाइनली आज मैं जा रहा हूँ ऑफ रोड के लिए सिमरन भैया के साथ और सुमित भैया के साथ। मैंने उनको बहुत ज़्यादा फोर्स करा कि भाई मेरे को ऑफ रोड करना है, तो देन दे कॉल्ड मी एंड एग्री हो गए भैया कि चल चलते हैं। वैसे सिमरन भैया भाई ऑफ रोड के बहुत ज़्यादा शौकीन है, और मेरा मीटर भी एक्चुअली ख़राब हो गया, पता नहीं क्या हुआ है, थोड़ा ना डल सा हो गया, इसमें डिस्प्ले पता नहीं क्या हुआ है, तो ये भी रिपेयर कराना है, लेकिन यहाँ रिपेयर नहीं होगा, दिल्ली से होगा, मैंने बात कर रखी है। और अब इसके अंदर कराते हैं फ्यूलिंग, के कार्बोरेटर पे जंग लग गया था और पेट्रोल लीक हो रहा था इसमें से, बाकी सब बढ़िया काम। 25 है लड़कियां, 36 है ब्रो। अभी तक तो कालका चौक पे कोई आया नहीं है, और एक्चुअली मैंने गलत साइड रोक दी, मतलब ऑन रोड पे रोक दी, अंदर की साइड रोकनी चाहिए थी, तो घुमा के लाते हैं, तो इस बाइक वाले को जाने दो। तो यहाँ पे वेट करते हैं सिमरन भैया की और सुमित भैया की। तो भाई ये जा रहे हैं हमारे सुमित भैया, तो ये हैं हमारे सुमित भैया, कैसे हो? एंड सिमरन भैया वो जा रहे हैं अपनी अफ्रीकन ट्विन पे आगे, आप लोगों को दिख नहीं रहे होंगे ना, क्योंकि अफ्रीकन ट्विन ना उन पे तो बहुत तेज़ आ रहे हैं, तो भाई समझ जाओ अफ्रीकन ट्विन की बात कर रहा हूँ। तो ये रहे हमारे सिमरन भैया, कैसे हो? तो ये है इनकी अफ्रीकन ट्विन, मतलब है तो SS, बट इन्होंने इसको नाम रखा हुआ है अफ्रीकन ट्विन, जैसे हमने इसका रखा हुआ नाम रस भरू, तो वैसे वो उनके अफ्रीकन ट्विन है, समझ रहे हो ना, मैं तो महंगी बातचीत भाई। यहाँ से हमारा हो चुका ऑफ रोड स्टार्ट, एंड एक सेकंड, ये गाने जरा इंटरकॉम में चल गए। तो भाई यहाँ से हमारा ऑफ रोड स्टार्ट हो चुका है, इसी चीज़ के तो हम दीवाने हैं, ऑफ रोड। मतलब यार मैं था नहीं, ये जो हमारे सामने अफ्रीकन ट्विन पे भैया जा रहे हैं ना, इन्होंने हमें दीवाना बनाया ऑफ रोडिंग का। बेटे मौज कर दी, हाँ मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर, वो तम तो, अरे तम तो बड़े हैवी ड्राइवर है भाई। थंबनेल ऑल गुड, जस्टिन बहुत मजा आया, गोप्रो था। जबी आप लोगों ने जो खतरनाक स्टंट देखे ना, तो मैं आपको पता है किस चीज की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, खतरों के खिलाड़ी की, ठीक है? इसलिए बाइक पसंद है भाई, इसको जैसे मर्जी गिरा दो, जो मर्जी पसड़ा दो, हमें कुछ चोट नहीं है, छोटी सी भी। एनीवे बाइक स्टार्ट हो जाएगी। ओहो सॉरी, किकी मुड़ गई अंदर, सॉरी ये ब्रेक लीवर अंदर मुड़ गया, बाहर खींचना है। तो देखो ना वो ले गई पत्थर, नीचे से मारो ना, ये मुड़ रहा है अंदर को, सिर्फ ये नीचे छोड़। अब क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, चलो ये ठीक करा लेंगे, देखते हैं एक बार, देखता हूँ ये हटना।
कैसे मारेगा ब्रेक देख कैसे मारेगा। शोकर गया क्या? शोकर लीक हो गया। ये देखो ब्रेक काम नहीं करेगी, थर्टी को प्राइस पर काम कर लेगी। चलो अभी ब्रेक लग रही है तो भाई इसका अच्छे से काम कराना पेंडिंग है अभी, मतलब कराना पड़ेगा। शोकर लीक हो गया छोटे से ऑफ रोड में ही। अरे 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 देखो कहाँ से बाइक निकालनी है, तो ये देखो ये डिसाइड हुआ है कि आगे तो रास्ता बंद हो गया है, तो अब हम यहाँ से देखते हैं या तो यू टर्न मारेंगे या फिर यहीं से यूँ जाएंगे। वो देखो अफ्रीकन ट्विन तो निकल गई है, अब अपनी बाइक निकालनी है। चलो मैं तो निकाल लूँ, जाओ उठा के। मैं तो यहीं से आऊंगा, हम निकालेंगे नहीं। मत निकालना, देखे हटो। भाई मजा आ गया, पूरा शलश शलश था, जो चीज मैं चाहता था वैसी निकली है बिना छीटों के। थोड़े बहुत आए होंगे लेकिन पीछे शायद गंदे ना हो। ये देखो ऑफ रोड दिखा दो, एडवेंचर 390 क्या कर सकती है। मुबारक प्यूमा गिर गया। हाय गंदे रंग निकल जाएगी, तू क्या आ रहा है गंदे कर रहा है। तो पहले बोल देते जूते तो ना गंदे होते। चलो तो भाई अफ्रीका ट्विन हमारी आ रही है, तो ये भैया यहाँ से निकालो बीच से ही। चलो भाई चलते हैं, बाइकें निकल गई हैं, मजा आ रहा है लेकिन ऑफ रोड में टायर एकदम मिट्टी वाले हो रहे हैं ना, चढ़ 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 कर रहे हैं। धीरे चलना पड़ेगा वरना छींटे मारेगी, उड़ा उड़ा के मार रही है। ये देखो कैसे मिट्टी में जा रहे हैं, देख के। अरे गिर गए, हे गिर गए रहो एक गिर गए। रुको 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 लगी तो नहीं, हटो 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 देख के। ज्यादा तो नहीं लगी, बाइक लगी कि जमीन लगी है। हेलमेट उतार दो, आराम से बैठ जाओ, थोड़ा फिर लो। What happens?
क्रैश। ओह माय गॉड, कहाँ लगी तो नहीं? गोड्डे पे। कैसे गिर गए? तेज है? कीचड़ में? नहीं नहीं, नॉर्मल थे, थोड़ी सी गुमचोट है, छोटा सा स्क्रैच है। कैसे गिर गए? ये कीचड़ में गिर गए। सॉरी, क्यों सर, मोटर बाइक है वो? कल चली गई बाइक चली। हिंदू भाइयों, शेर बनो ना, शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो। नहीं चोट तो लगी ना, जख्म तो नहीं हुआ। गिरा ये ना सैडल से, गिरा बाइक की चोट। मेरे ख्याल से ये लगा आपके, ये तो हाँ ऐसे ये कोई लगा मेरा, क्योंकि ये तो नहीं लग सकता, यही लगा होगा। पर इधर से इधर कैसे गया तू इस तरफ? अरे नॉर्मल आ रहे थे, अगला टायर उधर चला गया तो पिछला भी गया, तो साथ में गिर गया, संभली नहीं। ये बीच में गिर आया तू? पता ही नहीं कहाँ ध्यान था। आगे अंदर गया तो उसको निकल जाएगा, वो जहाँ बाइक खड़ी है उधर से निकल जाएगा। चलो चलो, ओके देख लो, ओके हो ना, चला ले, दिक्कत आ रही है ना, गियर को बदल लें, स्कूटर चला ले। ओके हो ना पक्का? बहुत ज़्यादा स्लश रोड आ गई है, टायर बहुत स्किट कर रहे हैं यहाँ पे, बट स्टिल हम तो हैं ही ऑफ रोडर। सर इस ऑफ रोड पर ना हम तीनों ही गिरे, पहले मैं गिरा, फिर सिमरन भैया गिरे, उसके बाद सुमित भैया गिरे, तो यार इसीलिए हमें ऑफ रोड ज़्यादा पसंद है भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल मज़ा आता है। कपड़े गंदे होते हैं, गिरते हैं, पिटते हैं, भाई बहुत मज़ा आता है। A few moments later. तो यार अभी हम राइड करके आ रहे थे, तो भैया और ही हम लोगों से पूछते हैं कि मेरे हेलमेट पे क्या लगा है। तो अभी मैं यहाँ पे अपना चैनल सब्सक्राइब कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सारे भैया और ही आ गए हैं। देखना आप लोग भी आओगे वीडियो में, वीडियो आएगी, ये चैनल है देखना, जस्टिन यूट्यूबर। रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर। तो यार हम लोग पहुंच चुके हैं अंबाला, अपने घर के एरिया में, मैं मतलब आसपास आ चुका हूं मैं। आई होप कि आप लोगों को हमारे आज का ऑफ रोड और हमारे क्रैश देखने में बहुत ज्यादा मजा आया होगा। विश करता हूं कि मेरे जल्दी से 10 के सब्सक्राइबर्स हो जाए, और मतलब मैं ये चाहता हूं कि यार न्यू ईयर से मेरे पहले 10 के सब्सक्राइबर्स हो जाए, तो हम कुछ गिव अवे भी करेंगे। देखो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा खुशी की बात होगी कि न्यू ईयर पे मेरे 10 के सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ 10 के सेलिब्रेशन करूंगा। एंड मेरा कुछ प्लान है कि मैं गिव अवे भी करूं 10 के पे, कुछ हटके करें, बाकी देखते कैसा होता है। तो एक बार बस आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग 10 के सब्सक्राइबर्स मेरे करा दो, जिसने वीडियो को शेयर नहीं करा कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा कर दो, कमेंट नहीं करा कमेंट कर दो, लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो, एंड मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, पॉप अप हो रही होगी नीचे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, टिल देन बाय, सायोनारा, दिस इज मी जस्टिन वर्का साइनिंग ऑफ, पीस आउट।